जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकमणि आज फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। शनिपीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं, जहाँ आप सभी को मार्गदर्शन देने के लिए, आप सभी को विशेष बातें बताने के लिए, हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई हम ये प्रोग्राम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो गया है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है श्रावण मास। और कहते हैं कि भगवान शंकर अपने भक्तों पर इस महीने में, इस पावन मास में विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन का जो महीना है वो ना तो केवल बरसात लेके आता है, अच्छा मौसम लेके आता है, फसल के फलने फूलने के लिए वर्षा लेके आता है, अपितु भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की विशेष कृपा भी लाता है। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही आप इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन, बेल का आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं श्रावण मास में कौन सी राशि की लगेगी लॉटरी, वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको श्रावण मास में भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को श्रावण मास में अपने क्रोध पे जरा नियंत्रण रखना होगा, तभी सफलता उनके हाथ आएगी, तभी जीवन में उनकी उन्नति होगी। और अपने दिल और दिमाग, इन दोनों को भी उन्हें बैलेंस रखना होगा। यदि आप कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं या किसी नए प्रेम प्रसंग में आप पड़ रहे हैं, कोई नया प्रेम संबंध आपका बन रहा है, तो आप सोच विचार करके ही कोई कदम, कोई निर्णय लें। बिना सोचे गया कोई भी कार्य आपको सफलता प्रदान नहीं करेगा। इसके साथ ही आप सभी से कहना चाहूंगी, श्रावण मास का बहुत सुंदर समय है, इतने विशेष योग इस समय में बन रहे हैं, तो अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, अपने समय को सुधारने के लिए इससे अच्छा समय और कुछ नहीं होगा। तो जिन राशियों का समय अच्छा नहीं भी है, उन सबको भी मैं कहूंगी कि अगर आप इस समय में कोई भी उपाय करते हैं तो अवश्य ही फलीभूत होगा और अवश्य ही आपकी सभी परेशानियों को हरने वाला होगा। इसलिए इस सुंदर योग का प्रयोग करते हुए आप सभी भगवान शंकर की उपासना करें और भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए अपनी समस्त परेशानियों को दूर भगाएं। और केवल सात ही नहीं, अन्य बहुत सारी राशियों की भी लॉटरी लग सकती है, अगर हम अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखेंगे और श्रावण मास के इस पवित्र महीने में अपनी पवित्रता को बनाते हुए भगवान के नाम को सुमिरन करते रहेंगे। और इस श्रावण मास कुछ ऐसे योग बन रहे हैं आसमान में, जिससे ये श्रावण मास और भी महत्वपूर्ण हो गया है और भी सुंदर हो गया है। जो भी भक्त इस श्रावण मास भगवान शंकर की उपासना करेगा, उनका व्रत करेगा, उनका अभिषेक करेगा, अवश्य ही उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। 17 जुलाई 2019 से 15 अगस्त 2019 तक इस वर्ष का श्रावण मास रहेगा। इस वर्ष पूरे 30 दिन का ये महीना है और पूरे 4 सोमवार इसमें पड़ रहे हैं। 1 अगस्त 2019 को एक ऐसा पंच महायोग बनने जा रहा है जो कि पूरे 125 साल बाद आया है। इस दिन 1 अगस्त को सिद्धि योग, शुभ योग, गुरु पुष्य अमृत योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये 5 योग बन रहे हैं। और जो भी भक्त इस दिन भगवान शंकर की उपासना करेगा, पूजा पाठ का कोई भी काम करेगा या कोई भी नया काम प्रारंभ करेगा, तो अवश्य ही वो उसको उत्तम फलदायी होगा। अगर आपके ग्रह काफी समय से आपको परेशान कर रहे हैं तो इस दिन की हुई ग्रह दोष निवारण पूजा या इस दिन किया हुआ कोई भी उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। इस श्रावण मास में नाग पंचमी का भी विशेष योग बन रहा है, क्योंकि नाग पंचमी भी 3 अन्य योग के साथ सोमवार के दिन पड़ेगी।
5 अगस्त 2019 को नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ेगी, जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्धि योग और रवि योग, ये तीनों योग भी साथ ही शामिल होंगे। श्रावण मास में नाग पंचमी और सोमवार अति उत्तम योग है। यदि काल सर्प दोष आपके जीवन में ग्रहण लगा रहा है, यदि काल सर्प दोष का निवारण आप कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी जीवन में कष्ट बाकी है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो इस दिन की हुई पूजा अवश्य ही आपको शुभ फल प्रदान करेगी और आपके काल सर्प दोष के जितने भी दुष्प्रभाव है उसको नष्ट अवश्य कर देगी। इसके साथ ही कई वर्षों बाद 15 अगस्त और रक्षाबंधन श्रावण नक्षत्र में मनाया जाएगा और एक ऐसा सुंदर संयोग बन रहा है। चलिए बात करते हैं हम श्रावण के सोमवार के बारे में। श्रावण मास में जितने भी सोमवार आते हैं, यदि उस दिन हम भगवान शंकर का व्रत करें, रुद्राभिषेक करें, पूजन इत्यादि करें, तो अवश्य ही हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो भी कष्ट हमारे सर पे चल रहे हैं, जो भी परेशानियां जीवन में आ रही हैं, वो सभी दूर होती हैं। लेकिन इस वर्ष के जो सोमवार है, चारों के चारों बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि चारों सोमवार का कोई ना कोई सुंदर योग बन रहा है। पहला सोमवार 22 जुलाई 2019 को पड़ेगा। इस दिन रुद्र अभिषेक, व्रत, पूजन ये करना शुभ फलदायी होगा, आपको अवश्य ही शुभ फल प्रदान करेगा, भगवान शंकर की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो अपने श्रावण मास को पहले सोमवार की पूजा से अवश्य ही प्रारंभ करें। दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। रुद्र अभिषेक करना इस दिन आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। अगर ग्रह कलेश चल रहा है, घर में पति पत्नी में अनबन रहती है, आप विवाहिक जीवन से सुखी नहीं है, तो उस दिन की गई पूजा अवश्य ही आपके जीवन में सुख शांति लाएगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इस दिन यानी कि दूसरे सोमवार 29 जुलाई को की गई आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी हेल्थ के लिए की गई पूजा आपको विशेष फल देगी और जो भी बड़े से बड़ा रोग है उसको दूर करेगी। तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ेगा, जो कि सोमवार एवं नाग पंचमी का महायोग बना रहा है। काल सब दोष निवारण की शांति हेतु ये बहुत ही उत्तम योग है। चौथा सोमवार अंतिम सोमवार, इस दिन भी सोम प्रदोष व्रत पड़ेगा। शिव पार्वती दोनों ही साथ साथ पृथ्वी पर इस दिन विचरण करेंगे। इस दिन रुद्र अभिषेक करना हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला होगा। 30 जुलाई को श्रावण मास में शिवरात्रि पड़ेगी। इस दिन भी भगवान शंकर का अभिषेक करना अति उत्तम फल प्रदान करेगा। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव। आज का कोड है 5111। भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की खोज और तपस्या से मनुष्य की परेशानियों को दूर करने का अद्भुत तरीका यज्ञ एवं मंत्र विज्ञान खोजा। पूरी दुनिया में अपने कष्टों को दूर करने का ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में पैसा, व्यापार, कैरियर, शादी, प्यार, ग्रहों का दोष, शत्रु या अन्य किसी समस्या से परेशान हैं, तो आप हमारे शनि मंदिर में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मणी जी से अपने ग्रहों की परेशानियों को दूर करने के लिए स्वयं आकर या ऑनलाइन विशेष यज्ञ अनुष्ठान कराएं। गुरु मां रुक्मणी जी अब तक विभिन्न प्रकार के हजारों यज्ञ और अनुष्ठानों को देशी और विदेशी भक्तों के लिए अपने पवित्र हाथों से सफलतापूर्वक संपन्न कर चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें